नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हो दोस्तों, BSTC 2024 से संबंधित हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो BSTC 2024 के आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए। जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहते हैं और 12वीं पास है दोस्तों, उनके लिए बेहतरीन मौका है, BSTC कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे BSTC के आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, कंप्लीट हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ इसके एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है, कब एग्जाम होने वाला है, साथ ही क्या इन्फॉर्मेशन आगे रहने वाली है, कंप्लीट हम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ परीक्षा की रणनीति क्या रहनी चाहिए दोस्तों, किस आधार पे आप 450 प्लस नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो दोस्तों, तो ये सारी डिटेल्स हम वीडियो पे जानेंगे। तो वीडियो पे नहीं है तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपकी तैयारी BSTC से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी नोट्स होंगे, आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिल जाएंगे, जहां से जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। सभी के लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी के लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो। तो बिना देरी के चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों BSTC 2024 से संबंधित यहाँ पे आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, परीक्षा दोस्तों यहाँ पे 30 जून रहने वाली है और 30 जून तक की सफल रणनीति क्या रहेगी वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही कैसे पढ़े और कितना पढ़े दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट करने वाला टॉपिक है कि कैसे पढ़े, 30 जून तक हम क्या पढ़े और दोस्तों कितना पढ़े और कितना यहाँ पे हमें छोड़ना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पे 450 अंक का यहाँ पे प्लस 450 प्लस का स्कोर कर सके। साथ ही योग्यता क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और आयु सीमा क्या रहने वाली, वो भी हम यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है VMOU दोस्तों, इस बार BSTC की जिम्मेदारी VMOU कोटा दोस्तों वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को दी गई है। आप देख सकते हो कि कार्यालय समन्वय प्री DLED परीक्षा 2024 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्री DLED एग्जामिनेशन 2024 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो गए, 11 मई 2024 से दोस्तों आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब दोस्तों आज की डेट, आज से दोस्तों यहाँ पे 11 मई 2024 से मतलब आवेदन स्टार्ट हो गए, मतलब शनिवार से दोस्तों आवेदन स्टार्ट हो गए। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 30 मई 2024 तक दोस्तों आवेदन भरे जाएंगे, मतलब 11 मई से स्टार्ट हो गए और 31 मई 2024 तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आप देख सकते हो परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई दोस्तों, यहाँ पे 30 जून 2024 से यहाँ पे परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लगभग यहाँ पे दोस्तों एवरेजन माने तो 45 डेज का आपको समय है दोस्तों, 45 दिन में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पात्रता क्या रहने वाली है, तो पात्रता इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको, डिटेल से दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 मई 2024 से शनिवार से आवेदन स्टार्ट होने वाले, 31 मई 2024 तक आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब अंतिम तिथि 31 मई है और प्रारंभ की तिथि 11 मई, मतलब दोस्तों आज की डेट से प्रारंभ हुए हैं। अब पात्रता की बात कर लेते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाले, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोस्तों यहाँ पे उच्च माध्यमिक परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। उच्च माध्यमिक परीक्षा क्या है, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको पता है कि उच्च माध्यमिक 12वीं दोस्तों या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे होनी अनिवार्य है, क्योंकि साथ ही साथ आप बात कर सकते हो न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए 12वीं में, वो भी यहाँ पे दिखाया गया कि प्री DLED चाहिए वो सामान्य हो, चाहे संस्कृत विभाग से संबंधित हो। तो सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दोस्तों 50% यहाँ पे 12वीं कक्षा में, यहाँ पे दोस्तों 12th के मार्क्स की बात हो रही है, यहाँ पे 12th के मार्क्स में 50% आपके यहाँ पे होने चाहिए जनरल कैटेगरी से यदि है आप, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से यदि है तो दोस्तों 5% की आपको छूट प्रदान की गई। अब बात करते हैं दोस्तों, कई कैंडिडेट बोलेंगे कि यहाँ पे 45% पॉइंट कुछ यहाँ पे कमी रहेगी, या कह सकते हैं कि 44.99% यदि किसी के हैं तो वो भी यहाँ पे दोस्तों अयोग्य होंगे। फुल यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, 45% यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए पूरा का पूरा 44.99 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया से, या कह सकते कि BSTC जो डिप्लोमा कोर्स है दोस्तों उससे बाहर रह सकते हैं, बाहर यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इनको यहाँ पे योग्य नहीं माना जाएगा। 45% जिसके है उसको यहाँ पे योग्य माना जाएगा। तो आपको पता है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 50% होना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%, OBC के लिए दोस्तों यहाँ पे 45% और जो विधवा तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया। साथ ही दिव्यांगजन जो कैंडिडेट है वो दोस्तों जिनके 40% से अधिक दिव्यांगता है वो यहाँ पे 45% है, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं दोस्तों।
आगे इसी क्या नहीं इन्फॉर्मेशन रहने वाली वो भी हम देख लेते हैं कि वांछनीय न्यूनतम योग्यता दोस्तों यहाँ पे एक अंक यहाँ पे स्वीकार, मतलब यदि आपके 45 एक अंक भी यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा, मतलब 44.99% भी है तो आपको यहाँ पे योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि एक अंक या 1% या दोस्तों या पॉइंटों में भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 49.99% यदि आपके हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये दोस्तों ये जनरल कैटेगरी का बताया गया है, जबकि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे दोस्तों 44.99 अंक है तो भी अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए यहाँ पे अयोग्य होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं 2024 में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए रहे कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों पात्र होंगे, उन्हें दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग के समय पात्रता की सभी शर्तें, जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों 12th का एग्जाम जिन्होंने दिया है वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब तक काउंसलिंग प्रक्रिया होगी दोस्तों, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होंगे कॉलेज के अंदर, तब तक आपको दोस्तों योग्यता कम्प्लीट करनी अनिवार्य है। मतलब प्लस टू की यहाँ पे मार्कशीट आपको काउंसलिंग के समय उपस्थिति के समय आपको ही होनी अनिवार्य है। आयु सीमा की गणना की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु की गणना रहने वाली है, और आयु की बात करते हैं तो 28 वर्ष से अधिक नहीं हो दोस्तों, 28 वर्ष से अधिक जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से है तो वो यहाँ पे योग्य नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अलग अलग कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई है आयु के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विधवा तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, मतलब महिलाओं की कैटेगरी में कौन कौन सी यहाँ पे विधवा तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिला है उनके लिए यहाँ पे आयु सीमा में कोई बाउंडेशन नहीं है। जबकि बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों और नियमों के अनुसार इनको यहाँ पे आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही आरक्षण का प्रावधान भी दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार का जो नियमानुसार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ होगी ये दोस्तों यहाँ पे पेपर का जो स्कोर रहेगा उसमें भी दोस्तों आपको आरक्षण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब आवेदन किस प्रकार करना है तो यहाँ पे आपको दोस्तों वेबसाइट दी गई है preDLEDRajasthan2024.in के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र के माध्यम से भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आवेदन से संबंधित प्रक्रिया होगी, वेबसाइट पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी preDLEDRajasthan2024.in की यहाँ पे दोस्तों सूची दी गई, जहाँ से आप जाके वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 28 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार टोटल मिला के यहाँ पे 33 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी से वो आवेदन कर सकते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों 28 वर्ष तक के भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि परीक्षा की रणनीति। आप दोस्तों आपको पता है कि परीक्षा के यहाँ पे दोस्तों निर्धारित यहाँ पे डेट दे दी गई है, आपको पता है कि 30/6/2024 दोस्तों 30/6/2024 यहाँ पे डेट रहने वाली है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, चाहे वो सामान्य से हो चाहे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों चाहे सामान्य जो डीएलएड होगी या बीएसटीसी सामान्य होगी या दोस्तों संस्कृत किसी भी पाठ्यक्रम से हो दोस्तों, यदि वो एक पाठ्यक्रम का यहाँ पे चयन करता है तो 450 रुपये उसको यहाँ पे देने अनिवार्य है, मतलब 450 रुपये यहाँ पे उसको देने अनिवार्य है। जबकि बात कर लेते हैं डीएलएड सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों हेतु दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क लिया जाएगा, मतलब दूरभाग या किसी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो दूरभाष नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो दूरभाष नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको यहाँ पे समाधान पा सकते हो। साथ ही वेबसाइट यहाँ पे दी गई है preDLEDRajasthan2024.in पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी दोस्तों 11 मई से लेकर 31 मई तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 2024 से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम डेट डाल दी गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि परीक्षा की रणनीति दोस्तों, लगभग यहाँ पे 45 डेज की आपकी क्या रणनीति लगभग यहाँ पे दोस्तों होनी चाहिए दोस्तों। पहली तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेबस का दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिलेबस का एनालिसिस करना चाहिए। साथ ही सिलेबस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे दोस्तों अभी पहले तक आपको पढ़ रखे हैं, या दोस्तों जैसे आपकी हिंदी दोस्तों यहाँ पे हिंदी यदि आपकी अच्छी है, क्योंकि 12th तक दोस्तों कई कैंडिडेट की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश अच्छी होती है तो इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश किसी की हिंदी किसी की यहाँ पे राजस्थान दोस्तों राजस्थान आर्ट एंड कर राजस्थान जीके का पार्ट अच्छा होता है। साथ ही किसी का यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोस्तों यहाँ पे मैथ और रीजनिंग यहाँ पे अच्छा होता है, तो सिलेबस को आपको डिटेल से पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश जिसको आती है तो दोस्तों लगभग ये पार्ट है आपके यहाँ पे सिलेबस के रहने वाले हैं। 45 डेज में दोस्तों आपको ये रणनीति कंप्लीट करनी है। क्या पढ़ना है तो मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है दोस्तों,
कोई भी एक गाइड आप ले सकते हो। मैं दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य गाइड आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। अगर लक्ष्य दोस्तों सफिशियंट मैटर है, लक्ष्य गाइड लाए आप दोस्तों, और लगभग 2024 के जो 2023 के 2023 2022 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू आप डिस्कशन कर सकते हो। और लक्ष्य का दोस्तों नवीनतम जो एडिशन है 2024 में आया हुआ प्रीबीएसटी से संबंधित, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसमें कंप्लीट सिलेबस का विवरण दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ यदि आप विभाग का जो सिलेबस है आपके पास रहता है तो दोस्तों वो तो बेहतरीन है, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश राजस्थान जीके और मैथ और रीजनिंग में जो भी टॉपिक आपके कवर करते हैं वही पढ़ने हैं दोस्तों। अन्यथा आपको काफी सारा दोस्तों जीके है वो नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल दी गई है वही आपको पढ़नी है। तो 45 डेज में लगभग आप दोस्तों यहाँ पे लगभग 450 प्लस का स्कोर यहाँ पे कर सकते हो, 450 प्लस अंक का स्कोर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार आप यहाँ पे रणनीति बनानी है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी बीएसटीसी 2024 से संबंधित। एक नवीनतम वीडियो में मैं कंप्लीट रणनीति विद सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। 30 जून तक की रणनीति 45 डेज में पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग की सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, तो वो कम्प्लीट दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन नवीनतम सूचनाएं और साथ ही नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।